ये जो फैसला आया और जो आज देश की परिस्थितियां हैं उसके ऊपर एक बात जो बिल्कुल जमती है वो ये है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बस यही है आज देश की हकीकत। आप लोगों को सर कितनी देर तक डिटेन करेगा? हमारा तो देखिए कुछ नहीं था, हमारे तो सुबह थे और रात को आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मुख्यमंत्री जी को, इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर कहा जाता है कि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन नहीं, इलेक्शन कमीशन के अधीन होती हैं। ऐसे समय में इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को शायद देश में पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और जर्मनी जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के अंदर केंद्र सरकार को तीखे सवालों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर ये जो आजादी थी, बोलने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी, लोगों के हक के लिए लड़ने की आजादी, आज वो खतरे में है। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा, इन्होंने बेरोजगार युवाओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबका नंबर है। अब आगे की क्या प्लानिंग है सर, किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे आगे इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, मैं जो आज देख रहा हूं, जितना प्यार और समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुनिया भर में उमड़ रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इस तरीके की आवाज जब उठती है तो क्रांतियां आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए, केंद्र सरकार की उल्टी गिनती, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से